नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं आज जो मुकाबला खेला जाएगा हरियाणा वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में जो खेला जाएगा मुकाबला, उसको लेके देखेंगे हमारी 20 ग्रैंड लीग की टीम क्या बनने वाली है। और जो मैं आपको 20 जीएल की टीम बताऊंगा ना, उससे आप लोगों को ग्रैंड लीग खेल लेनी है। मैं गारंटेड कहता हूं कि आप टॉप 5 में रहोगे। मिनी जीएल तो आपका निकलना ही है, जीएल में भी आप अच्छा खासा रैंक लेके आ जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने डिटेल्स में वीडियो दिया हुआ है इस मैच का, हरियाणा वर्सेस गुजरात का, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हो तो भाई साहब इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, अगर आप इस मैच में अच्छा रैंक लाना चाहते हो स्मॉल लीग मिनी जीएल जीएल सभी डिपार्टमेंट में। एक बात और, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो किस बात की देरी है, आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना है। अगर स्टार्टिंग 7 आने के बाद हमारे टीम में कुछ भी अपडेट्स होगा, चेंजेस होंगे, वो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। और दोस्तों, कबड्डी की अगर हम बात करें, जीएल हो, मिनी जीएल हो, एसएल हो, देखिए ग्रैंड लीग बड़े वाले जीएल जहां पे हम लोगों ने 2 रैंक दिए हुए थे, और कल परसों लगातार भाई सब जैकपॉट चल रहे, लास्ट के 8 में से 7 मेगा क्लीन स्वीप गई है विथ मिनी जीएल जीएल वाली। और आज वाला भी मैच मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग ग्रैंड लीग लेके आएंगे, आप लिख के रख लो। 49 में 2 रैंक, उसके अलावा 99 वाले जीएल में 1 रैंक, 16 रैंक, 31 रैंक, 54, 60, 67, उसके बाद 999 वाले में 2 रैंक, उसके अलावा यहां पे देखिएगा तो आपको और भी देखने को मिल जाएगा 99 वाले में 13 रैंक, ऐसे करके तो भाई सब जीएल भरी पड़ी है। बस आपको करना क्या है, मैं जो आपको जीएल का टीम दूंगा उसको 2 कॉपी जाके जीएल में लगा देनी है। और जो मैंने आपको मैट वाला सेक्शन बताए हैं ऑलरेडी इसके डिटेल्स वाले वीडियो में, मैट वाले कंसेप्ट को फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जब भी जीएल का टीम तैयार करोगे आपके सामने एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए कि इस मैच को विन कौन सी टीम करेंगी। अगर वो टीम विन करती है तो आपके जीएल विनिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने यहां पे गुजरात फेवरेट टीम बनाई है, मुझे लगता है कि यहां पे गुजरात की टीम विन कर सकती है। तो देखिए, हमारा जो 1 से लेकर 20 टीम है ना, उसमें मैंने टीम में कुछ भी फेरबदल नहीं किया, क्योंकि हमारी पहले टारगेट होती है जो आप 49 रुपीज लगाते हो ना, वो कम से कम आपको रिटर्न मिल जाए। मैं वो टीम कतई नहीं बताऊंगा जो आप 10 मैच में लगाओगे 10 का 10 49 हार जाओगे, किसी मैच में आप 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज लेके आ जाओगे। दूसरी बात, मैं ये कतई नहीं टारगेट करता हूं कि 49 वाले में हम लोगों को रैंक 1 पे ही जाना है। जैसे कि हम लोगों ने 49 रुपीज लगाए तो मेरा, जैसे मान लो कि 20 टीम है, 20 टीम में से मुझे 15 टीम में पैसा का पैसा आ जाए, ये मेरा टारगेट रहता है। और 5 जो टीम है वो मुझे 5 गुना 10 गुना पैसा ला कर दे दे, बस मुझे इतना ही जीएल में चाहिए। भाई सब आप जो है 20 लाख 25 लाख अपने पास रख लो, चलेगा। मेरे पीआर फैमिली को बस 49 जो लगा रहे हैं उसमें 5 टीम में 500 दे दो, या फिर 1500 दे दो, और बाकी के 49 15 टीम में जो है वो 49 दे दो, हम पीआर फैमिली खुश रहेंगे। तो देखिए, मेरा टीम उसी तरीके का होता है। अब हम बात करते हैं टीम नंबर 1 में। टीम नंबर 1 देखिएगा, मेरा फजल हमारी टीम में है, सोमवीर है, उसके अलावा एस गुलिया है, मोहित खेलर है, मोहित नंदल है, सोनू जगलान है और राकेश सोंगड़िया है। ये जो टीम है ना वो मेरा 1 से लेकर 20 टीम तक है, सेम टीम। टीम में मैंने कुछ भी फेरबदल नहीं किए। मैंने कैप्टन दिया यहाँ पे फजल को, वीसी मैं यहाँ पर दिया हूँ सोनू जगलान को। टीम नंबर 1 ये है मेरा। टीम नंबर 2 फिर से वही टीम, मेरा कैप्टन फजल है, वीसी मोहित नांदल है, और सारे प्लेयर को जो मैंने लिए हैं, क्यों लिए हैं इसको लेके मैंने डिटेल्स वीडियो में आपको मैट पे सब कुछ बताया है। टीम नंबर 3 को लेके बात कर लेंगे, फजल कैप्टन है, मोहित खेलर वीसी है। टीम नंबर 4 को लेके बात करेंगे, फजल कैप्टन और एस गुलिया वीसी है। टीम नंबर 5 में देखोगे, फजल कैप्टन और यहाँ पे हमारे राकेश सोंगड़िया वीसी है। ध्यान रखिएगा, टीम में कोई फेरबदल नहीं है। टीम नंबर 6 में बात करेंगे तो हमारे कैप्टन फजल है, वीसी सोमवीर है। टीम नंबर 7 देखिएगा, अब टीम नंबर 6 तक हमारे फजल कैप्टन थे, अब 6 से लेकर 12 तक हमारे फजल वीसी हैं, और कैप्टन बदलेंगे सारे, सोमवीर कैप्टन, फजल वीसी, उसके अलावा मोहित खेलर कैप्टन, फजल वीसी, उसके अलावा देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मोहित नंदल कैप्टन, फजल वीसी, देन आफ्टर सौरभ गुलिया कैप्टन, फजल वीसी। अब आइए हम देखते हैं टीम 10 से 15 हमारी क्या रहने वाली है। तो टीम नंबर 11 से 15 आपके सामने है। मैं जीएल में सिंपल सा पैटर्न को फॉलो करता हूं, तब जाके मुझे डेली बेसिस पे भाई सब टॉप रैंक मिल रहे हैं। एक हो मिनी जीएल में तो भाई सब रैंक 1 लाना अब आम सी बात होगी, ग्रैंड लीग में टॉप 5 देना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, हम लगातार दे भी रहे हैं। राकेश सोंगड़िया कैप्टन, फजल वीसी है हमारी टीम नंबर 11 12। सोनू जागलान कैप्टन, फजल वीसी। 13 टीम नंबर, राकेश सोंगड़िया वीसी, सोनू जागलान कैप्टन। उसके अलावा टीम नंबर 14 सोनू जागलान। अब 12 तक मैंने फजल को कैप्टन वीसी बना दिया, बोले फजल बाबा आपसे मैं दूरी बनाता हूं, अब मैं आऊंगा सोनू जागलान के पास, या फिर आप यहां पे सोमवीर या फिर साहिल गुलिया के पास भी आ सकते हो। सोनू जागलान कैप्टन, राकेश सोंगड़िया वीसी, सोनू जागलान कैप्टन, उसके अलावा मोहित नंदल वीसी,
सोनू जागलान कैप्टन और सौरभ गुलिया वीसी, ये हमारे टीम नंबर 11 से 15 है। अब हम देखेंगे 16 to 20। तो दोस्तों टीम नंबर 16 देखिएगा, मोहित खेलर वीसी, सोनू जागलान कैप्टन। अब सोनू जागलान के साथ मैंने पेयर बना दिए एक में टीम नंबर 17 में सोमवीर को। 18वां टीम नंबर देखिएगा, अब यहां पे सोनू जागलान को मैंने कैप्टन देके सभी प्लेयर को वीसी दे दिया। अब 18, 19, 20 वहां पे मैं देखूंगा कि गुजरात के कौन से ऐसे प्लेयर हैं फजल और सोनू जागलान के अलावा जो अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें सौरभ गुलिया का नाम है, उसको मैंने कैप्टन और सोनू जागलान को वीसी दे दिया है। टीम नंबर 19 सोमवीर कैप्टन, सोनू जागलान वीसी, और टीम नंबर 20 राकेश सांगरिया कैप्टन और हमारे सोनू जागलान वीसी हैं। तो अब अगर गुजरात ये टीम ये मैच जीतती है, गुजरात के कोई भी प्लेयर प्रदर्शन करेंगे वैसे हम लोग गारंटी लेके आ जाएंगे, क्योंकि फजल के साथ भी मैंने पेयर बनाए हैं, सोनू जागलान के साथ पेयर बनाए हैं, सोमवीर के साथ पेयर बनाए हैं, सभी के साथ मैंने पेयर बनाए हैं। तो गुजरात ये टीम ये मैच अगर जीती तो हमारे लिए GGL फिर से आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इस मैच को गुजरात की टीम विन करने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी GLGL जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।